हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आपको जाना है इको पार्क और आप आ रहे हैं चंदन नगर साइड से, तो एकदम इजी रूट बताते हैं। चंदन नगर या मानकुंडू या उस साइड से अगर आप आ रहे हो तो आप बाली उतरिए। बाली से आपको मिल जाता है शटल, या फिर आप मैजिक बोल सकते हो, वो पकड़ के आप आराम से इको पार्क जा सकते हो। तो हम भी चले गए इको पार्क, क्योंकि बहुत दिन से मन हो रहा था कहीं घूमने जाने का। रिहान को जू जाने का मन हो रहा था और कहीं अच्छे जगह घूमने जाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं इको पार्क का गेट नंबर 6 में, जो हिरन आलय बनाया गया है नया वहाँ, और घूमाते हैं वहाँ से। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आज हम जा रहे हैं हिरन आलय, जो कि इको पार्क के पास में ही है। इको पार्क से कनेक्टेड है वो। सो इट्स अ मिनी जू। तो रिहान बहुत दिन से जू जाने का जिद कर रहा था, सो वी डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू गो। सो मैं और रिहान निकल पड़े और साथ में ले लिए अपनी छोटी बहन को। और ये अब हम लोग जा रहे हैं, और ये रहा साइड का व्यू। हाय, गॉगल पहन लो, स्पेक्स पहन लो, गॉगल पहन लो। तो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वे, बस अब पहुँचने ही वाले हैं, और फिर उसके बाद हम दिखाएंगे आपको हिरन आलय अंदर से कैसा लगता है। तो कोशिश करेंगे कि आप क्लोजली अच्छे से दिखा सके। सो ये रहा हिरन आलय, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 रुपीज़ करके पर हेड है। और बच्चों के लिए अगर लाइक रिहान अभी 2.5 साल का है तो उसके लिए फ्री है। 3 साल के बच्चों से चार्ज लगता है 20 रुपीज़। पर और भी बहुत तरह का बैरर था, बट वो सब रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि रिहान को लेकर भी थे जा सकते, जैसे ब्लैक मकाओ था और बहुत सारा पैरट था और भी कुछ बर्ड्स था, तो वो सब नहीं ले पाए। जो लेकर वीडियो बना पाए वो आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहे हैं।
पर ये कैफ़े भी था जहाँ पर आपको बहुत तरह का खाने का आइटम्स मिल जाएगा, वो भी रिजनेबल रेट में। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं गेट नंबर 4 के तरफ। सो ये रहा इको पार्क का गेट नंबर 4। यहाँ से हम ले रहे हैं एंट्री और फिर यहाँ थोड़ा सा घूम के थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर यहाँ से निकल चलेंगे हम लोग एयरक्राफ्ट म्यूजियम के लिए। बटरफ्लाई देखते देखते हम लोग पहुंच गए एक बटरफ्लाई सेक्शन में जहां पर बहुत सारा बटरफ्लाइज था। अंदर में एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, वहां पे ना वीडियो और फोटो बना था तो वहां का नहीं ले पाए, बट यहां का ही आप देख सकते हो। घूमते घूमते हम लोग गेट नंबर 3 से निकल गए और फिर वहां से हमने किया टोटो और वहां से चले गए हम लोग एयरक्राफ्ट म्यूजियम। तो एयरक्राफ्ट म्यूजियम जो है वो विश्व बांग्ला गेट से लेफ्ट साइड होके निकलता है। आप वहाँ किसी से भी पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा एयरक्राफ्ट म्यूजियम का सामने का एरिया और यहाँ फोटो क्लिक करने के लिए और वीडियो बनवाने के लिए बिल्कुल रेडी है। म्यूजियम का जो एंट्री है वो 30 रुपीज़ करके पर हेड था। सो आप यहाँ पर यहाँ आ सकते हो, घूम सकते हो और यहाँ पे साइड में ना बच्चों को खेलने के लिए कुछ सेक्शन बना हुआ था, आप वहाँ पर भी बच्चों को एंजॉय करवा सकते हो। हैं एयरक्राफ्ट म्यूजियम में और आप देख सकते हो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है जस्ट मेरे पीछे। सो देखते हैं अंदर वीडियो बनाने देता है या नहीं, अगर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएंगे वरना मुझे ही देख कर आना पड़ेगा। यहाँ पर वीडियो और फोटोग्राफी एयरक्राफ्ट के अंदर मना था सो हम लोग नहीं ले पाए, आप लोगों को आकर ही देखना पड़ेगा। सो जहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग कर सकी मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, सो आगे आप देखते रहिए।
रहा हमारा आज का दिन का ऑलमोस्ट डे ख़त्म, और 3 जगह घूमना हो गया हम लोग का। रिहान को भी बहुत अच्छा लगा घूम के, और ये मेरे लिए भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइप था। तो आप देख सकते हो ये रहा हमारे पीछे एक ग्राफ। सो अब इसके बाद जाएंगे हम लोग घर। सो वीडियो यहाँ तक ही था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।